हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। साथियों, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ इसका चैप्टर नंबर 54। चैप्टर का नाम है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। आइए, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 165 प्रोवाइड करता है ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का। ये एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं एक स्टेट के अंदर, आप समझे। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सेंट्रल लेवल पे, तो ये उसी को ही ये पोस्ट भी करस्पॉन्ड करती है स्टेट लेवल पे। आइए समझते हैं इनके अपॉइंटमेंट और टर्म के बारे में। दोस्तों, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, जैसे वहाँ पे करते हैं प्रेसिडेंट, यहाँ पे करते हैं गवर्नर। और वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति बन सकता है अटॉर्नी जनरल जो कि क्वालिफाइड हो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के। सेम तरह से यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति बन सकता है एडवोकेट जनरल जो कि क्वालिफाइड हो एक जज बनने के हाई कोर्ट के। तो मतलब क्या हुआ कि एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, और मस्ट हैव जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, या फिर ये एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट में 10 सालों के लिए। तो टर्म ऑफ ऑफिस एडवोकेट जनरल का ऐसे संविधान ने फिक्स नहीं करा है, और संविधान के अंदर कोई प्रोसीजर या ग्राउंड नहीं लिखा गया है इनके रिमूवल को लेके। ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब इन्हें रिमूव गवर्नर कर सकते हैं किसी भी वक्त। इसके अलावा भी ये अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं, क्विट कर सकते हैं सबमिट करके अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को। कन्वेंशनली ये रिज़ाइन करते थे जब सरकार मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करती थी या रिप्लेस होती थी, क्योंकि इन्हें अपॉइंट भी उन्हीं के एडवाइस पे किया जाता था। रेम्यूनरेशन जो इनका है, खर्चा वर्चा जो इनको पैसा मिलेगा, वो सब संविधान के द्वारा फिक्स नहीं करा गया है। ये वही रेम्यूनरेशन पाते हैं जो गवर्नर डिटरमाइन करें। इनकी ड्यूटीज़ और राइट्स की बात करें तो देखिए, ये चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं सरकार के स्टेट में। और ड्यूटीज़ की बात करूं तो एडवाइस देना सरकार को, स्टेट की, राज्य की सरकार को, अपॉन द लीगल मैटर्स जो कि रिफ़र करे गए हों इनके सामने गवर्नर के द्वारा। दूसरा, परफॉर्म करना कोई ऐसी ड्यूटीज़ लीगल कैरेक्टर की जो असाइन करी गई हो इनको गवर्नर के द्वारा। तीसरा, डिस्चार्ज करना फंक्शंस जो कन्फर करे गए हों इनके द्वारा, संविधान के द्वारा इनके ऊपर या किसी अदर लॉ के द्वारा इनके ऊपर। तो एडवोकेट जनरल के पास राइट होता है स्पीक करने का, पार्ट लेने का प्रोसीडिंग्स में दोनों ही हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की या कोई भी कमेटी की स्टेट लेजिस्लेचर की जिसके ये मेंबर हों। बट इनके पास राइट टू वोट नहीं होता। ये सभी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ को इन्जॉय करते हैं जो कि एक मेंबर को अवेलेबल होती हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। तो छोटा सा चैप्टर हमने करा, अच्छा लगा आपको तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क। अपार्ट फ्रॉम इट, आई एम रनिंग अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द नेम ऑफ वर्चुअल लाइब्रेरी, इन विच यू कैन सिट टुगेदर एंड स्टडी इन अ डिसिप्लिन मैनर विदाउट गोइंग एनीवेयर। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9917855532 फॉर फर्दर डिटेल्स। दिस नंबर इज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज टेलीग्राम। कॉन्टैक्ट मी इफ यू आर इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।